Hello everyone, I'm Dr. Shafila. Welcome to Sessions on Environmental Studies provided by IGNUTUS. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTUS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is, problem associated with nuclear power plant is, okay, options are thermal pollution. It should be problems associated with, okay? So options are thermal pollution, emission of hazardous radionuclides, disposal of radioactive waste, ya fir all of above. See, nuclear power plant mein we are using radioactive elements like uranium, okay? सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अगर तुम यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जनरेट होगा. सो डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट का इशू द प्रॉब्लम है अगर तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज कर रहे हो, ठीक है. एमिशन ऑफ हैजर्डस न्यूक्लियर रेडियो न्यूक्लाइड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है. अगर कोई मिस हैपनिंग होता है, कोई आपका डिजास्टर होता है, उस टाइम पे डेफिनेटली आपके रेडियो न्यूक्लाइड के एमिशन होने के चांसेस है. थर्मल पॉल्यूशन, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग यूज करते हैं, जो उसमें हम कूलिंग के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर को कूलिंग के लिए हम एज अ कूलेंट वाटर यूज करते हैं. सो वाटर एज अ कूलेंट यूज करने से वाटर क्या करता है, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट है उसको एक्वायर कर लेता है और उस पानी को व्हेन यू डिस्पोज ऑफ टू द नियर बाय एक्वाटिक बॉडी इट लेड्स टू थर्मल पॉल्यूशन. द हीट है ना, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एक्वाटिक बॉडी. तो कौन कौन से प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं जब तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज कर रहे हो, वो थर्मल पॉल्यूशन भी करता है, इट इज इट कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड वो एमिशन ऑफ हैजर्डस रेडियो न्यूक्लाइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव, दैट इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आउटब्रेक ऑफ जॉन्डिस. देखो जॉन्डिस हम पीलिया को बोलते हैं, जिसमें बेसिकली आंखों से ज्यादा दिखता है कि आंखें पीली हो जाती है, ठीक है. सो जॉन्डिस में क्या है, इवन फेस मेनली आंखें जो है वो आंखों से ज्यादा पता चलता है. सो जॉन्डिस, जॉन्डिस जो है इट इज बिकॉज ऑफ वायरस, ठीक है. एंड जॉन्डिस जो है वो एयर पोल्यूशन के कारण नहीं है, इट इज अ वाटर बॉर्न डिजीज. सो जॉन्डिस जो है वो पानी के कारण है. व्हेन यू कंज्यूम द कंटेमिनेटेड वाटर तब जॉन्डिस होने के चांसेस हैं और ये आपकी क्या है, वायरल डिजीज है. तो थर्मल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन ये नहीं है. Answer is B, that is water pollution. Then, which of the following organism is likely to have more concentration of DDT in its body? Options are herbivore, carnivore, top carnivore, or primary producer. देखो in session 98 हम लोगों ने biomagnification discuss करा था. I will be showing you the picture also. So DDT क्या है? DDT is a pesticide. DDT का full नाम है dichlorodiphenyl trichloroethane. बट इट इज बैन नाउ, ये अभी आपको नहीं मिलती डीडीटी, ठीक है. व्हाइट कलर का पाउडर होता था, ये अभी नहीं है, अभी ये बैन हो चुका है. सो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन. अगर तुम इसका टाइटल देखो, इसमें लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी कंसेंट्रेशन. और ये जो पिरामिड है, इट इज अ पिरामिड ऑफ फूड चेन, ठीक है. इसमें अगर आप देखोगे बेस पे इट इज वॉटर, देन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्या है, पानी में अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंकटन. देन फाइटोप्लैंकटन को कौन खा रहे हैं, जूप्लैंकटन. जूप्लैंकटन को स्मॉल फिश खा रही है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, एंड ऊपर टॉप पे आपके पास क्या है, फिश ईटिंग बर्ड्स है, ठीक है. सो क्वेश्चन हमारा ये है कि डीडीटी की कंसेंट्रेशन जो है वो किस में ज्यादा है, ठीक है. क्या वो प्रोड्यूसर्स में ज्यादा है या कंज्यूमर्स में या टॉप कार्निवोर में, किस में ज्यादा है. बायो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस करा था, द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल from one trophic level to another trophic level in a food chain is biomagnification. So, agar suppose aapke paani mein toxic chemical aata hai from any activity, from industrial pesticides ya from agricultural pesticides ya phir from industries, kahin se bhi agar aapke toxic chemicals aate hain, so wo paani mein hai. Paani mein suppose wo one unit hai. Right hand side pe you can see numbers hain yahan pe. So, one unit hai. Phytoplankton ne wo paani consume kara. Phytoplankton mein wo paani gaya unki growth ke liye. To उसमें जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया, 1000 यूनिट हो गया. फाइटोप्लैंकटन पे फीड करने वाले जूप्लैंकटन में वो अमाउंट और इंक्रीज हो गया, डेट इज 10,000. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली फाइटोप्लैंकटन जो है, द स्मॉल फ्लोटिंग प्लांट्स जो है,
उनपे जो जू प्लैंकटन फीड करते हैं साइज के अकॉर्डिंगली दे कैन ईट 2, 3, 4, or 10 फाइटोप्लैंकटन. सो उसके अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल वो इंक्रीज हो जाएगा जू प्लैंकटन में. सिमिलरली स्मॉल फिश जो है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जू प्लैंकटन को फीड करेगी, तो उसमें अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल इंक्रीज होएगा जितने जू प्लैंकटन पे वो फीड करेगी एंड सो ऑन. सो सबसे ऊपर अगर तुम देख रहे हो, आप देख रहे हो, तो वहां पे आपका डीडीटी का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम है. तो वो कौन है? वो है आपका फिश ईटिंग बर्ड्स, मतलब टॉप कार्निवोर्स जो हैं उनमें द कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी वुड बी हाई. क्यों? क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन होता है आपके टॉक्सिक केमिकल का. सो लेट्स सी द ऑप्शंस, हर्बीवोर, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर या प्राइमरी प्रोड्यूसर. सो प्राइमरी प्रोड्यूसर में सबसे कम होएगा एंड सबसे ज्यादा डीडीटी का कंसेंट्रेशन किसकी बॉडी में होगा? That is top carnivore. So answer is C. Moving on to the question number 4. Positive soil pollution is due to. Positive soil pollution किसके कारण है? मतलब soil पे pollution किस किस के कारण हो रहे हैं? When you use excessive amount of fertilizer, this is also true. देखो fertilizers which are making our soil fertile and fertilizers are always nutrients. ठीक है? But हम कहते हैं excess of everything is bad. अगर तुम fertilizer भी excess में use कर रहे हो वो तुम्हारी क्रॉप्स को या सॉइल को नेगेटिवली अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी. सो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली तुम्हारे सॉइल में पॉल्यूशन ऐड करता है. एडिशन ऑफ वेस्ट ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर अगर तुम गार्बेज या किसी भी तरीके का वेस्ट जो है अगर तुम डंप कर दो तो दैट विल ऑल्सो लेड्स टू सॉइल पॉल्यूशन. रिडक्शन इन सॉइल प्रोडक्टिविटी, अगर आपकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म होगी, कम होगी. प्रोडक्टिविटी कैसे कम होगी? व्हेन यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर सॉइल. अगर तुम सॉइल में एक ही तरह की क्रॉप एवरी ईयर लगाते हो क्योंकि वो पर्टिकुलर क्रॉप एक ही तरह का न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करेगी फ्रॉम सॉइल, तो सॉइल में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है? सो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होगी. और कैसे कम हो रही है? व्हेन यू आर लाइक जो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, स्टबल बर्निंग करने से आपके जो सॉइल में जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो रहे हैं, या व्हेन यू आर यूजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स. ठीक है? तो ये सारे तुम्हारी आपके सॉइल को क्या कर रहे हैं? दे आर रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी. सो ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस जो आपकी हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक्स मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग. कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबल है? ठीक है? सो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली हो किसके कारण रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण. ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग आपका हो रहा है व्हेन यू आर बर्निंग द फ्यूल, वेदर इन योर इंडस्ट्रीज और इन योर व्हीकल्स, या फिर जब हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं. ठीक है? तो ये एक्टिविटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. बट आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ऑप्शंस आर अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन. ठीक है? सो आंसर इज डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस जो कि इनकमिंग यूवी रेडिएशन को अलाउ करती है टू कम डाउन ऑन द लोअर एटमोसफेयर, बट जो आउट गोइंग IR रेडिएशन है, हीट रेडिएशन है, उनको ये ट्रैप कर लेती है. सो ट्रैप कर लेती है तो लोअर एटमोसफेयर हमारा वार्म रहता है. एंड दिस इज गुड फॉर अस. हमारे अर्थ पे CO2 अगर 0.04% है एयर में, कॉम्पोजिशन 0.04% है, दिस इज गुड फॉर अस. वी डू नीड CO2 क्योंकि हमारे लोअर एटमोसफेयर का टेम्परेचर उतना है जितना कि हम लोग एवरेज टेम्परेचर है 15 degrees Celsius, तो विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेजिटेशन या ह्यूमन. लेकिन हम लोगों की एक्टिविटीज लाइक वी आर बर्निंग फ्यूल, We are doing deforestation, जिसके कारण CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. CO2 इंक्रीज हो रही है, ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ज्यादा वो हीट रेडिएशन को ट्रैप कर रही है, तो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. सो आंसर इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग इधर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट. We at IGNUDOS are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes. We are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNUDOS, a continuous support from professional mentors is there who are helping
for completing you and submitting the assignments, for completing and submitting the assignments, who are also helping you for your career development, for scaling the personal and social development also. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. And you can also visit the official website of IgniDose. Thank you. See you in the next session.